नमस्कार, मैं गोपाल गोयल खरेरा। गोपाल गोयल जी, सबसे पहला मेरा सवाल, क्या जरूरत पड़ी आपको चुनाव लड़ने की? एक्चुअली चुनाव लड़ने का वैसे हमारा कोई वो नहीं रहता, लेकिन खरेरा जिस दुर्गति में है उस दुर्गति के कारण हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। चुनाव पे ये सब चीजें याद आई है, इससे पहले भी जनसेवा नहीं, मेरा परिवार हमेशा जनसेवा करता रहा। बाहर रहते हैं, बाहर आपका बिजनेस चलता, फिर खरेरा में चुनाव लड़ने का क्या मकसद है? सुनो जी, देखो मेरा जन्म खरेरा में हुआ, मेरी शिक्षा पूरी खरेरा। अगर आप जीतते हैं तो नगर परिषद को कैसे सुंदर बनाएंगे? देखिए, यह सबसे बड़ी समस्या। आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस वक्त मैं खरेरा में हूं और आज हम जो है एक खास व्यक्ति से आपको मिलवाने वाले हैं और एक बहुत बड़े मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। कुछ ही समय में जो है खरेरा नगर परिषद में चुनाव होने वाला है, लेकिन उस चुनावी संबंध में हम एक व्यक्ति से चर्चा करेंगे, तमाम सवाल जवाब होंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा, देर करें, अब हम आपको उस व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिनसे हम बात करने के लिए आए थे। इनसे मिलिए, ये हैं गोपाल गोयल। नमस्कार, मैं गोपाल गोयल खरेरा। आज का हमारा मकसद है नगर परिषद खरेरा। आज हम नगर परिषद खरेरा पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन नगर परिषद पर कभी परिवर्तन नहीं होता है। एक ही व्यक्ति लगभग 15 वर्षों से यहाँ से जीतते चले आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ गोपाल गोयल जी हैं, जो कि संभावित प्रत्याशी हैं कांग्रेस से। इनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर किन मुद्दों को लेकर नगर परिषद का ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और क्या कुछ मुद्दे हैं। गोपाल गोयल जी, सबसे पहला मेरा सवाल, क्या जरूरत पड़ी आपको चुनाव लड़ने की? चुनाव लड़ने का वैसे हमारा कोई वो नहीं रहता, लेकिन खरेरा जिस दुर्गति में है उस दुर्गति के कारण हमें चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कि किसी संस्था पर जब एक कब्जा टाइप का हो जाए, यहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष है उन्होंने एक कब्जा कर लिया और काम वो कुछ करती नहीं है। खरेरा की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं और पार्टी जैसे बता कह रही है कि आप चुनाव लड़िए, तो हम चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि कांग्रेस से आप संभावित प्रत्याशी हैं, आपने अपना बायोडाटा कांग्रेस कार्यालय दिया है और लगातार आप क्षेत्र में भी जनसंपर्क कर रहे हैं, जैसा कि हम कई सारे बायोडो में देख रहे हैं, आपके फोटो वीडियो आ रहे हैं, आप लोगों की जनसमस्याएं निवारण कर रहे हैं, क्या चुनाव पे ये सब चीजें याद आई हैं, इससे पहले भी जनसेवा की? मेरा परिवार हमेशा जनसेवा करता रहा जी। हम अभी बीच में विगत जब कांग्रेस की सरकार थी, तो मैंने यहाँ कई प्रोजेक्ट करवाने की कोशिश की, जैसे हमारा रिंग रोड एक बड़ा प्रोजेक्ट था, और रिवर फ्रंट जो कि महुआर नदी के पुल से और गणेश मंदिर तक बनना है, एक आईटीआई और बच्चों के लिए शिक्षा बहुत है। वैसे यहाँ तो अभी इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन अभी आईटीआई से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है, और न्यू फिल्टर प्लांट, ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट थे जिसपे मैंने खुद काम किया और इसके लिए हमने फंड भी अलॉट कराया, जिसमें 11 करोड़ रुपए आ चुके थे नगर पंचायत के पास, लेकिन यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं और जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो उसका उपयोग नहीं कर सके, और 5,42,00,000 रुपए तो हमारा वापिस चला गया। तो खरेरा बड़ी बस्ट कंडीशन में है, अगर हम इसको सुधार नहीं करा तो आने वाली पीढ़ी हमको कभी माफ। सबसे बड़े मुद्दे खरेरा के हैं बस स्टैंड की बद हालत। आप चले जाइए, ना तो वहाँ कोई टॉयलेट है, ना ही कुछ है। सहायता केंद्र पर भी आप देख लीजिए, ना कोई टॉयलेट की व्यवस्था है, अगर टॉयलेट बनी भी हुई है तो उसमें ना तो गेट है ना कुछ है। आदमी जहाँ भी उसको जगह मिलती, दीवार मिलती है तो दीवार की तरफ टॉयलेट कर देता, ना कोई रोड है ना कोई पार्क नहीं है, बल्कि छोटे से छोटे जो शहर होते हैं वहीं कहीं ना कहीं एक पार्क होता है जहाँ लोग शाम को टहलने चले जाते हैं, बुजुर्ग हैं बैठने चले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सोनू जी, जो आपने प्रश्न उठाया, यही तो मैं प्रश्न की बात कर रहा हूँ, यही तो असली समस्या है, और इसी समस्या, ये आज से समस्या नहीं है, ये 10-15 सालों से, और इसी समस्या का निराकरण के लिए तो मैं आया हूँ। मेरा काम समाज को एक विकसित करना, शहर को सुंदर करना, ये मेरा हमेशा रहा है। और मैं तो आपको बता दूं कि मैं सुबह 5:30 बजे के लगभग मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ, तो उस टाइम मैं देखता हूँ कि सड़कों पर धूल उड़ती रहती है, गंदगी इतनी ज्यादा है, और फिर नगर परिषद के उसी टाइम पर झाड़ू लगती है, और लोगों के मतलब जो घूमने जाने का एक आदमी हेल्थ के लिए जाता है, लेकिन उस टाइम घूम ऐसा लगता है कि हम हेल्थ को हेल्थ इम्प्रूव करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम हेल्थ डिक्रीज करने जा रहे हैं। स्थिति बहुत गंभीर है, अगर इसको सुधारा नहीं गया तो बहुत दिक्कत। खरेरा नगर परिषद में ये अफवाह है कि कोमल साहू जो पूर्व में प्रत्याशी हैं वो नोटों के दम पर चुनाव लड़ते हैं, बल्कि ये मेरे व्यक्तिगत उन पर आरोप नहीं है, जी मैंने सुना है, क्या आप नोटों के सामने टिक पाएंगे उनकी? फिर नहीं, नोटों के सामने तो नहीं टिक पाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी जनता पर भरोसा है। यहाँ की जनता पुराना वाला वातावरण नहीं रहा है, यहाँ परिवर्तन चाहती है जनता।
हमने अभी देखा कि अभी यहाँ विधानसभा में भी परिवर्तन हुआ और काम तो करना पड़ेगा। अब वो समय नहीं रहा, यहाँ पर जो यूथ है और जो हमारी महिला शक्ति है वो बहुत ज्यादा एक्टिव और वही सबसे ज्यादा परेशान है। मैं नहीं समझता कि आज तक नगर परिषद में यहाँ के जो 15 साल से जो साहू साहब हैं उन्होंने कोई नौकरी या वो लगाया हो, या लगाया हो तो उनके स्थाई भी नहीं किया। मैं काफी काम करना चाहता हूँ। ये बात निश्चित है कि वो पैसे से चुनाव लड़ेंगे लेकिन मैं जन सहयोग से चुनाव लड़ूंगा। गोपाल जी, अभी के यहाँ के जो अध्यक्ष हैं उन पर कई सारे जो फर्जी अतिक्रमण के मामले चल रहे हैं, उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नहीं, अगर वो मामले चल रहे हैं तो शासन को काम करना चाहिए, उन पर अपना जो भी उसमें फैसला आता है जब तक वो कोर्ट में है जब तक तो मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा कोर्ट की उस पर। लेकिन ऐसा मेरे सुनने में भी आया है कि कई मुकदमे हैं जिन पे उन्होंने सरकार कार्रवाई करने के मूड में है। क्या चुनाव में ये मुद्दे बनेंगे? ऑब्वियसली बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे भाई। ये आपने जो किया है गलत तो गलत ही है ना। सुनो, अब बताइए मुझे कि अगर आप एक रजिस्ट्री को यहाँ से वहाँ कर देंगे या सरकारी लैंड पर कोई मिसयूज होगा उसकी जांच सरकार करेगी, उसकी सरकार जांच करेगी निश्चित। तो मतलब आप इन्हें चुनावी मुद्दा बनेगा? बिल्कुल, चुनावी मुद्दा तो बन ही रहा है जी। आप देख रहे हैं कि शहर में एक चर्चा है, एक नारा चलता रहता है कि भाई जो जमीन सरकारी है वो, नाम तो मैं नहीं लूंगा वीडियो में, मैं समझ रहा हूं आपका इशारा किधर है। जी, जी, तो चल रहा है निश्चित है भाई, दिख रहा है लोगों को। 17 देखो 15 साल तो उनको हो ही गए और 2 साल सरकार ने एडिशनल लिया, हालांकि वो कितने टाइम बैठे मुझे नहीं जानकारी है, लेकिन 17 साल से वो इस पर काबिज है और जिस काम को वो करके जीतते हैं चुनाव, इस बार जनता निश्चित बदलाव करेगी। मैंने न्यूज मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला था एनजीटी जो एक संस्था होती है उसने लगभग 80 लाख रुपए का एक जुर्माना लगाया गया था। चूंकि आप एक इंजीनियर हैं और नगर परिषद का चुनाव भी लड़ रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे उसके बारे में विस्तार से बताइए, वो क्या है? सोनू जी, एक्चुअली क्या है कि यहाँ करेरा नगर से 3 नाले निकलते हैं और वो नाले हमारे जाके मऊर नदी, जो हमारी हम जिसको नदी को माता कहते हैं, वो उसमें जाके गिरते हैं और उस पानी से ही बाद में आगे जाके फिल्टर होके कहीं ना कहीं हमारे नलों में सप्लाई की जाती है। तो नगर पालिका पर एनजीटी ग्रीन, जो नेशनल ग्रीन टर्मिनल है, उन्होंने एक जुर्माना लगाया कि या तो ये नाले को बंद करें आप और नहीं तो आप पर उसमें 80 लाख का जुर्माना आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये बड़ा बड़ा दिक्कत वाला काम है कि आपका सीवर का पानी, सीवर लाइन यहाँ शहर में है नहीं, उसका पानी नदी में जा रहा है डायरेक्ट और वो ही वापस आपके घरों में नल के द्वारा आ रहा है, तो आप कितना गंदा पानी पी रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है करेरा के लिए और इसी के लिए उन्होंने जुर्माने की घोषणा की है। अगर हम नालों को बंद नहीं करेंगे तो निश्चित उसमें जुर्माना भरना पड़ेगा। गोपाल जी, ये सवाल आपके लिए भी है और पूर्व के लिए भी। जी, करेरा में मंडी साइड चले जाइए आप, 14 और 15 वार्ड में आज भी 2-2 किलोमीटर दूर से लोग पानी भरने के लिए आते हैं। क्या पूर्व में रहे लोगों ने, जो यहाँ के अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने तो उसका देखा नहीं है, और आप यदि बनते हैं तो क्या आप कर पाएंगे? वो निश्चित करेंगे जी, हमारा काम ही है भाई। जनप्रतिनिधि बनने का काम क्या होता है, आप मुझे बताइए कि मैं अध्यक्ष बनूंगा तो मेरा रोल क्या है? क्या मुझे जमीनों पर कब्जा करने का वो है? नहीं, मेरा काम ही ये है कि किसी वार्ड में पानी क्यों नहीं आ रहा है, वहां पर क्या प्रॉब्लम है। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो ग्रेडियंट होता है कि लेवल का जो होता है कि भाई कहीं ऊंचाई है कहीं नीचे है, तो उस ऊंचाई और नीचाई के ग्रेडियंट मिला के आपको पाइपलाइन डालना पड़ेगा पहले तो। दूसरा ये है कि जिन वार्डों में पानी की प्रॉब्लम है तो वहां पानी कैसे पहुंचाएं और तत्काल पहुंचाएं, ये ज्वलंत समस्या है। नगर पालिका, नगर परिषद का काम ही ये होता है कि नगर में जो प्रॉब्लम है उनको दूर किया जाए। अब ये पिछले 15 साल से नहीं कर रहे हैं, यही तो इनकी मक्कारी और नाकामी। अगर ये ऐसा करते तो मुझे चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्या पड़ती। जब भी इस मुद्दे पर कोई वीडियो बनाई जाती है या फिर प्रिंट मीडिया में खबर लगाई जाती है तो पता चलता है 2-3 या 3 दिन बाद डिलीट करवा दी जाती है वो खबर। नहीं, उस पर तो मैं क्या बोलूंगा कि वो कैसे कराते हैं, उस बात के लिए तो मैं नहीं समझ पा जानता कि मैं कैसे उस पर, लेकिन ये मुद्दा बनना चाहिए और ये मुद्दा नहीं है, ये हकीकत है हमारे उसकी। अब मैं आपको एक बात बताऊं सोनू जी की, करेरा की पॉपुलेशन लगभग 20,000 से ज्यादा हो गई है और उस स्थिति में हमको हमारे शहर को नगर पालिका का अधिकार मिलना चाहिए। नगर पालिका बनेगी तो फंड ज्यादा होगा और फंड ज्यादा आएगा तो विकास का निश्चित है। अब यहाँ तो ये हालत है कि 5,42,00,000 रुपए जो आया हुआ पैसा था वो भी डूब जाता है, तो क्या उम्मीद करेंगे आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों से?
यहाँ तो सिर्फ एक ही काम चल रहा है कि कोई नगर पालिका जाता नहीं है, किसी को कोई काम करना नहीं है, सिर्फ एक दूसरे का मजाक और एक दूसरे की निगाह रहती है कि खाली जमीन कहाँ पर है उस पर कब्जा करो और आगे बढ़ो। ये आपने कई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हुई, वो मैं आरोप भी नहीं मानता, उनको कहीं ना कहीं वो सच्चाई थी और जनता इस बात को समझती है। अब मैं आपसे भी वही सवाल आपसे करूंगा, अगर आप जीतते हैं तो नगर परिषद को कैसे सुंदर बनाएंगे? देखिए यहाँ सबसे बड़ी समस्या है पानी जी। हमारा पहला प्राथमिकता मेरी ये रहेगी कि पानी की जो, क्योंकि यहाँ पर मऊर नदी है, पास में नावली डैम है, तो हमको छोटे छोटे मऊर नदी पे स्टॉप डैम बनाना, इससे क्या होगा कि हमारी नदी में पूरे में पानी रहेगा, वाटर लेवल ज्यादा आएगा तो कुओं में पानी आ जाएगा, हेडपम्प में पानी आ जाएगा, मेरी पहली तो ये रहेगी। सेकेंड मेरा ये है कि जो सबसे पहले नाले जो नदी में गिर रहे हैं उनको मैं रोकूंगा, उन नालों के लिए उनको लंबा करके और हमारा जो ईदगाह है उससे भी आगे ले जाके ज्यादा लंबा करके और एक हम बेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का भी प्रोसेस वो बनाएंगे कि बेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट वहीं पर वो फिल्टर हो और फिल्टर होके वो साफ होके वो उस खाद के रूप में वो बन जाए। तीसरी मेरी ये है कि रिवर फ्रंट बने, जो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए लोग जाते हैं उस पर मऊर नदी के पुल से लेके गणेश मंदिर तक एक रिवर फ्रंट बनेगा, उस रिवर फ्रंट पर हम ये करेंगे कि सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पे जाएं, घूमें, दौड़ें, हमारी माताएं बहनें हमारे यूथ, क्योंकि वो पुराना जमाना नहीं रहा। चौथा मेरा काम है कि रिंग रोड जो मैंने जब कांग्रेस की सरकार थी तो जयवर्धन माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जयवर्धन सिंह से हमने उसकी स्वीकृति कर घोषणा कराई और उसका फंड भी आया था, उसको हम बनवाएंगे। ऐसे बहुत सारे और छोटे छोटे काम हैं, बाढ़ वाइज जाके जो नालियां चौड़ी हैं जिनके जो बहुत बड़ी बना दी हैं जिनमें मोटरसाइकिल का पहिया भी फंस जाता है कई जगह, उन नालियों को हम बिल्कुल, हम यहाँ करेरा में नाली को ओपन बिल्कुल नहीं रखेंगे, हम उनको पाटेंगे और एक चैम्बर बनाएंगे, हर 25 मीटर पर एक चैम्बर बनाएंगे, उस चैम्बर से उसको रोज उसकी 8वें दिन या 7वें दिन उसकी जो मशीन आती है उससे हम उसकी सफाई कराएंगे। तो ये हमने कुछ अपने बनाए हुए हैं पॉइंट, हम उनको करेंगे, निश्चित करेंगे, अगर मुझे जनता समर्थन देती है तो मैं काफ़ी यहाँ पर काम करना है। यदि जब भी वोटों की बात आएगी या जब आप चुनाव लड़ेंगे तो ये जो ठेले वाले होते हैं इनका एक बहुत बड़ा प्रभाव होता है, ठेले वालों की वजह से कई बार रोड जाम हो जाते हैं और जैसे ही चुनाव आएंगे तो थोड़ा क्या होता है उन्हें धड़का दिया जाता है कि इधर कर दो उधर कर दो और फोटो वोटो खींचे बोले स्वच्छ बन गया, सबसे ज्यादा हालत उनकी खराब, उस पर क्या नहीं है? उस पर हमने देखो, मैं आपको बता दूं कि मैं एक भूल गया था कि मैंने यहाँ पर सब्जी मंडी का भी वो किया हुआ है, सब्जी मंडी की भी घोषणा हुई और उस घोषणा में पूर्व विधायक जो थे उन्होंने उनका भी काफी सहयोग रहा, उन्होंने सब्जी मंडी को जो हमारा पुराना पशु चिकित्सालय है वहां शिफ्ट कराने का आश्वासन दिया था और वो काम काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था लेकिन सरकार चली गई, तो हम सब्जी मंडी को शिफ्ट करके और वहाँ पशु चिकित्सालय में लाएंगे और कई जगह पर जहाँ सरकारी जमीन है वहां पर हम दुकानों का निर्माण कराएंगे जिससे कि नगर परिषद में राजस्व की आमदनी बढ़ेगी, ये हम काम करेंगे। गोपाल जी मेरा आपसे एक सवाल और है, सुरक्षा की दृष्टि से आप नगर परिषद में क्या करने वाले? अभी हमने देखे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, कुछ सीसीटीवी कैमरे पता चल रहे थे सड़क को देख रहे थे तो कुछ आसमान में घूम रहे थे और कुछ को तो पता चला 4 दिन बाद खोल भी लिया गया था, आप उसके लिए क्या करेंगे यदि आप जीतते हैं तो? नहीं अब देखो ये करेरा में पहली बार सीसीटीवी का लगना हुआ तो निश्चित है थोड़ी बहुत कमियां तो थी लेकिन उन कमियों में नहीं जाऊंगा, एक प्रयास बहुत अच्छा था लेकिन मैं अगर नगर परिषद में आता हूं तो मैं निश्चित है कि मैं बाइड बाई सीसीटीवी का प्रोविजन रखेंगे, सबसे पहले हमारा ये क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी है और वार्ड वाइज हर वार्ड में सीसीटीवी कैमरा लगेंगे और वो सीसीटीवी कैमरे को भी जो टेक्निकल लोग हैं उनके द्वारा लगवाया जाएगा जिससे कि ये प्रॉब्लम भविष्य में ना आए, जो अभी आ रही है वो भविष्य में प्रॉब्लम ना, उसका कंट्रोल रूम नगरपालिका में भी होगा और पुलिस सहायता केंद्र में भी होगा। जी मैं आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा, आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं करेरा की जनता से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि समझदार बनिए, शिक्षित बनिए, करेरा वो जगह है जहाँ पर अभी वर्तमान में स्थिति बहुत खराब, बहुत गंभीर है क्योंकि पिछले 15-17 सालों में यहाँ कोई भी काम नहीं हुआ और एक ही तरीके के लोग यहाँ पर बार बार चुनाव में आते हैं और वो जीत के भी वही उसी तरीके का पैटर्न चलाते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है
कि आप समझदार बनिए, वो चुनाव का जो 10-12 दिन का पीरियड रहता है वहाँ यूनाइटेड हुई, इकट्ठे हुई, और अपना भला और बुरा आप अपना नहीं सोच पाते हैं तो अपने बच्चों का भविष्य जरूर देखिए। यहाँ पलायन की स्थिति है, यहाँ बच्चे, यहाँ शिक्षा के अभाव है, यहाँ स्वास्थ्य का अभाव है। आपको मैं एक वाक्य बता दूं सोनू जी, कि किसी भी व्यक्ति का अगर यहाँ पर हाथ में फ्रैक्चर भी हो जाता है तो वो यहाँ से या तो झांसी जाता है या शिवपुरी जाता है। यहाँ पर स्वास्थ्य की हालत बहुत खराब है, यहाँ वहां जाने पर उसको 1,500 की गाड़ी करना पड़ती है, फिर डॉक्टर लेता है, मतलब एक काम के लिए अगर फीवर भी आता है तो यहाँ कोई ऐसा स्वास्थ्य का यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई काम किसी ने किया ही नहीं है और गंदगी चारों तरफ है। थोड़ी देर के लिए हमें भूलना पड़ेगा कि छोटे छोटे मतभेदों से हमें निकलना पड़ेगा, और ये जरूरी नहीं है कि आप मुझे ही चुने, जो जिसको भी चुने अच्छा चुने। अच्छा चुनने से क्या होगा, आपके शहर का विकास होगा। बल्कि मैं तो कोशिश यही करता हूं कि एक बार ये संकल्प कर लें कि सब लोग मिलकर किसको सुधार करें, क्योंकि करेरा इतनी जल्दी सुधरने वाला नहीं है, यहाँ पर परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। इसलिए आपसे मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, समझदार बनिए, सुशिक्षित बनिए, शिक्षित बनिए, ग्रीन करेरा, क्लीन करेरा। ये थे मेरे साथ गोपाल गोयल, संभावित प्रत्याशी कांग्रेस है नगर परिषद से। साफ तौर पर एक अच्छी आवाज़ में, एक दबी आवाज़ में आरोप प्रत्यारोप भी लगे, लेकिन एक संकल्प बहुत अच्छा था, एक सोच बहुत बड़ी थी कि करेरा का विकास कैसे हो, जो गंदगी करेरा में फैली है उस गंदगी को कैसे साफ किया जाए। क्राइम के मामले में कई बार गाड़ियां चोरी हो जाती हैं, छेड़छाड़ की जैसी कई सारी घटनाएं, उसके लिए क्या करेंगे, तो CCTV कैमरे का प्रावधान था, नगर को स्वच्छ करने के लिए तमाम उनके पास सुविधाओं का भंडार था। आशा करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। गोपाल गोयल जी के बारे में आप किस प्रकार से सोचते हैं, मुझे अपने कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आप देख रहे थे सोनू ब्लॉग यूट्यूब चैनल, मैं हूँ आपका दोस्त सोनू निगम। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। बहुत बहुत धन्यवाद।